नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बलरामपुर की। यहां युवक और युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बात होगी फरुखाबाद की। यहां गहरे पानी में जाने से गंगा नदी में तीन दोस्त डूबे, एक किशोर की मौत। और बताएंगे कैसे उत्तराखंड में जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने बगवाड़ा में नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरखी जंगल में NH 343 मुख्य मार्ग से 100 मीटर की दूरी पर 24 वर्षीय युवक और युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया। मामले की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची और मामले का मर्ग और पंचनामा तैयार कर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट SK सिंह और साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 27 मई 2024 को पुलिस को सुबह सूचना मिली कि डुमरखी जंगल में एक युवती है और एक युवक दोनों खड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। साथ में साइबर की टीम भी है और उनके मोबाइल नंबरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और घटना के संबंध में PM के लिए बाड़ी को भेज दिया गया और 8 PM लेके हम लोग जल्द से जल्द ट्रैक करने की कोशिश की। प्रथम दृष्टया तो हत्या लगती है और डॉक्टर का पूर्ण रिपोर्ट आने के बाद ही बुलाता हूँ। मेरी जो जंगल है उसमें एक मृतक सुजीत स्वर्णकार, उम्र 24 वर्ष का है, और एक नई महिला है, क्या नाम, किरण आनंद, उम्र 21 वर्ष। इसका डेड बॉडी जो है इस जंगल में पड़ा हुआ है। इसके फोरेंसिक निरीक्षण के लिए मुझे सूचना दिया गया, जिसके जांच पे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सर क्या 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 गया? अब मृतक और मृतिका दोनों के शरीर में कुछ चोट है, अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है ना, और विवेचना जारी पे और भी साक्ष्य आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगा। इसमें चोट का भी है और हल्का जलने का भी है, ये सब जो है अभी पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, सब साक्ष्य आएंगे, उसके बाद करके 24 घंटे के अंदर का बाटी है ये। सर अभी तो घटना स्थल पे उसके कपड़े वपड़े सब जब्ती किए हैं, है ना, वहाँ पे और साक्ष्य उसको जब्ती किया गया, उसका फोरेंसिक जाँच होगा, एनालिसिस होगा। ठीक, बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर फरुखाबाद से है, जहां पांचाल घाट पर गंगा नदी में नहाने आए तीन दोस्त गहरे पानी में जाने के चलते डूबने लगे। घाट पर खड़े कुछ लोगों ने तीनों को डूबते देखा तो छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद दो युवकों को सकुशल बचा लिया गया, वहीं तीसरा किशोर गहरे पानी में जाने के चलते डूब गया। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने गोताखोरों की मदद से घंटे भर की खोजबीन के बाद किशोर का शव बरामद किया। थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम बिलालपुर निवासी अरुण राठौर, जिसकी उम्र 16 साल है, ग्राम जैनापुर निवासी भैयालाल और अखिलेश के साथ सोमवार को गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए थे। तीनों दोस्त दुर्वासा ऋषि आश्रम के सामने बने गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे। गंगा में नहाते समय वो तीनों गहरे पानी में चले गए, जिससे गोते खाने लगे। घाट पर नई बस्ती के कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने तीनों को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। अखिलेश और भैयालाल को लोगों ने गंगा नदी से बाहर निकाल लिया। भैयालाल की हालत बिगड़ने पर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफी खोजबीन के बाद जब अरुण राठौर का कोई पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पांचाल घाट चौकी इंचार्ज अमित शर्मा ने निजी गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की। तकरीबन एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोर ने घाट से 100 मीटर की दूरी पर गंगा नदी में अरुण के शव को बरामद कर लिया। मौके पर पहुंचे परिजन अरुण को लेकर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित किया। मृतक के भाई सोनू ने बताया कि अरुण मजदूरी करता था। क्या नाम आपको भैया? गौरव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जैनापुर। ये जो खत्म हो गया लड़का कहाँ था? बिलालपुर। क्या नाम इसका? नाम है अरुण सिंह। अरुण सिंह, अच्छा, कैसे क्या खत्म हो गया, क्या जाएंगे? ये दोस्तों से घूमने आए थे, गंगा नहाने। कहाँ? दुर्वासा से आश्रम। क्या बताया जा रहा, कैसे क्या जो पता लगा कि गहरे पानी भरा था, उसमें दो लोग तो बच गए, वहाँ के लोग थे नई बस्ते के, हाँ, उन्होंने बचा लिया, ये डूब गए। ये डूब गए, इनके दोस्त भी संग में डूब रहे थे। तो दोस्त दो बचा लिए, एक लोग हॉस्पिटल में भर्ती, उसमें एक हॉस्पिटल में भर्ती। क्या नाम है उसका? भैया लाल। भैया लाल कहाँ के? जैनापुर।
जैनापुर के। अच्छा तीसरा क्या नाम है? तीसरा जो नन्हे सिंह। अच्छा तो ये खत्म हो गया अरुण सिंह, पोस्टमार्टम लोग करा रहे हैं। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जब भीषण गर्मी के चलते हमीरपुर जिलाधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ। जिलाधिवक्ता संघ में कुल 668 मतों पर कुल 569 मतों पर मतदान हुआ। जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के रूप में भगवान दास दीक्षित ने 226 मतों से महेंद्र सिंह गौतम को हराया। महामंत्री पद पर शैलेंद्र सचान ने 404 पाकर अपने प्रतिद्वंदी अश्विन प्रजापति को 246 मतों से बुरी तरीके से हराया। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर अमरजीत शुक्ला ने 340 मत पाकर रामप्रताप सिंह को 129 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर सागर मिश्रा को 300 मत प्राप्त हुए। सचेंद्र को 244 मत प्राप्त हुए। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह और प्रसन्नता की लहर देखने को मिली। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जनक बाबू बालेश्वर लाल की 37वीं पुण्यतिथि भव्यता के साथ पूरे जनपद में मनाई गई। सुमेरपुर स्थित प्रकाश लॉन्च में भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के वरिष्ठ पत्रकार मंडल उपाध्यक्ष मुनीर खान एवं महासचिव नंद किशोर यादव और वरिष्ठ पत्रकार संतोष चक्रवर्ती आदि पत्रकारों ने स्वर्गीय बालेश्वर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि कार्यक्रम और विचार गोष्ठी में सर्वसम्मति से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम लखन को सदर तहसील का महासचिव और हिमांशु गुप्ता को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं जितेंद्र पंडित को भी जिला मीडिया प्रभारी की कमान सौंपी गई। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने बगवाड़ा में नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने कहा कि 29 मई को मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण विकास भवन में दिलाने के निर्देश नोडल कार्मिकों को दिए। उन्होंने नोडल लॉजिस्टिक को निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साथ ही विधानसभावार स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार जोशी, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोटके, नोडल ईवीएम टीएस मर्तौलिया समेत कई लोग मौजूद रहे। उधम सिंह नगर से सीनियर संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।